पुण्यातील सुप्रसिद्ध ज्योतिषी आर एच सोनी यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शास्त्रानुसार काही दावे केले. आर एच सोनी आपल्या ज्योतिषशास्त्रासाठी ओळखले जातात. गेल्या 25 वर्षापासून आपल्या ज्योतिषशास्त्राच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक लोकांच्या अडचणी दूर केल्या. आर एच सोनी यांनी केलेली वक्तव्य ही तंतोतंत खरी होतात असा त्यांचा दावा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता त्यांनी महत्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. शास्त्रानुसार राहूशिवाय राजकारण होऊ शकत नाही असं म्हणत त्यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं हे सांगितलं. शास्त्रानुसार निवडणूक जिंकण्यासाठी अर्ज भरताना तो कोणत्या वेळी भरावा, तसेच तुमचं तोंड कोणत्या दिशेला असावं, कार्यालयात लावलेला पक्षाचा झेंडा कोणत्या दिशेला असावा, या गोष्टींना घेऊन अनेक महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. आर एच सोनी यांनी आपल्या वक्तव्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय. नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर एच सोनी. आज हमारे मन में अचानक ख्याल आया कि आए दिन चुनाव होते रहते हैं इस देश में या दुनिया में, क्यों ना हम चुनाव पर कुछ चर्चा करें. राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में रहकर शासन करने के लिए लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या अन्य प्रकार के चुनाव लड़ते रहते हैं. चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ सकता. आगे आने वाले व्यक्ति जब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करते हैं तो उस तैयारियों में उन्हें बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है. चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि तीन बल की आवश्यकता होती है. तीन बल, एक तो होता है शारीरिक बल, मानव बल, जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास शक्तियां कितनी हैं, लोगों का हुजूम कितना है, आपके साथ देने वाले लोग कितने हैं. शरीर से नहीं, मन से, नहीं तो साथ आपके रह करके वोट किसी और को देते हैं. पहली बात. दूसरी बात आती है जो बल की, वो धन बल या उसे भौतिक बल भी कहा जाता है, जिसमें सोना चांदी रुपया पैसा लक्ष्मी का समावेश. अगर भौतिक बल या धन बल आपके पास है तो मानव बल और भी बढ़ जाता है. इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बल है वह है दैवी बल, परमात्मा की कृपा, जो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर देखी जाती है. उससे वह विश्लेषण किया जाता है कि ग्रह नक्षत्र आपके कैसे चल रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है या नहीं. यदि नहीं दे रहा है तो उसे किस प्रकार अपनी तरफ मोड़ा जाए. क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं ज्योतिषी होने के नाते कि राजनीति, राहु के बगैर राजनीति नहीं हो सकती. राहु ग्रह राजनीति का ही देवता माना जाता है. राहु रहस्यमयी है. आखिरी समय तक वह कब सत्ता बदल देगा यह किसी को पता नहीं चलता. मेरा कहने का उद्देश्य क्या है कि आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपने बारे में देखना चाहिए. साथ ही यह गणना की जाती है कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं, आपके विरोधी पक्ष के लोग किस पार्टी के हैं, उनका धन बल, मानव बल और दैवीय बल कैसा है, वह कितना सपोर्ट ले रहे हैं, लोग साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों से घूम फिर करके मिल करके मानव बल इकट्ठा कर रहे हैं. इन्हें तोड़ने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए. हर विरोधी अपने विरोधी का
रास्ता रोकने का प्रयास एक केन प्रकारेण करता है, जिसमें वह एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि आप सत्ता में रहकर शासन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जिन चीजों का सहारा लेना पड़ता है दैवी बल इकट्ठा करने के लिए, उसमें यंत्र मंत्र रत्न रुद्राक्ष दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन ये सभी कुछ आता है, गुरु के आशीर्वाद आते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आता है वो है तंत्र। चुनाव जीतने का उत्सुक व्यक्ति यदि वेदों में दुर्लभ साधना, जिसे महासंग्राम विजयनी साधना के नाम से जाना जाता है, वह यदि इसका सहारा लेता है तो उसकी विजय सुनिश्चित होती चली जाती है। और हां, एक बात और बता देना चाहता हूं, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ साधना करनी और करवानी चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि जबरदस्ती शासन करने का नाम तंत्र है, और वह मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, कैसे करें आप, किस तरह से आप चुनाव में लड़कर अपने विरोधियों पर हावी हों। चुनाव लड़ने वाला एक व्यक्ति होता है, उसके सामने उसके विरोधी कई एक होते हैं। इन सभी का मुकाबला करने के लिए उस व्यक्ति के पास सबसे पहले जो सुरक्षा कवच होना चाहिए वह जरूरी है, ताकि लाखों लोगों के सामने खड़ा होकर के वह व्यक्ति चैलेंज के साथ वादा कर सके और उसे निभाने की भी शक्ति आ सके। सबसे जरूरी में से तंत्र की साधना का करवाना जरूरी है चुनाव को जीतने के लिए। यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं, भाग्य साथ दे रहा है सब चीजों का निराकरण करके, उसके बाद भी आती है बातें कि आपको नामांकन किस नक्षत्र में दाखिल करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। आप जब चुनाव के लिए अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उस समय आपका चेहरा किस दिशा में होना चाहिए, ताकि वहां के जन समूह पर आपके वाणी का प्रभाव पड़ सके, लोग आकर्षित हो सके। पार्टी का झंडा आपके कार्यालय में यदि आप लगा रहे हैं, तो वह किस दिशा में लगना चाहिए, किस मुहूर्त में लगना चाहिए, किस मुहूर्त में अपने चुनाव अभियान का आप शुभारंभ करें। आपके घर के ऊपर पार्टी का झंडा लग रहा है तो वह किस दिशा में लगे, किस किस बातों को ध्यान में रखकर के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। उस रणनीति में सबसे पहला जो देखना चाहिए वो उसका भाग्य, उसके अनिष्ट ग्रह, उसे अपने अनुकूल कैसे बनाएं, यह देखना चाहिए। अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने तेज को, अपने वैभव को लोगों में कैसे प्रदर्शित करें, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। यह चुनावी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। लोग कहें न कहें, लगभग लोग इन चीजों का सहारा लेते हैं, और यदि ग्रह ही रुष्ट हो जाएं, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहा राज्य प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्य हरन्ति च, ग्रह राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य छीन लेते हैं। ग्रहा ही व्याप्तम सर्व त्रैलोक्यम सचराचरम, पूरी दुनिया में ग्रहों की सत्ता ही व्याप्त है। हमने आपको बताया कि राहु ही राजनीत का कारक ग्रह है। जिस व्यक्ति का राहु अच्छा है, उसे किसी भी व्यक्ति का हराना मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी लड़ाई जीतता है। लेकिन आपको यह मैं समझाना चाहता हूं, राहु भी, राहु का मतलब होता है हाथी। हाथी
एक तो चलता है मदमस्त चाल से, दूसरा चलता है चिघाड़ता हुआ। चिघाड़ता हुआ राहु जिसका चल रहा हो, उसकी कुंडली में राहु प्रबल हो, वह चुनाव कैसे नहीं जीतेगा? यदि उसमें कहीं कोई रोड़ा आ रहा हो तो उस रोड़े को हटाने का काम पूजा पाठ के द्वारा किया जाता है और लोग करते हैं। इसीलिए बनवा करके लोग धारण करते हैं महाविजय यंत्र। इसीलिए पहले मैंने कहा कि वेदों में दी गई साधना जो बहुत ही दुर्लभ साधना मानी गई है, लोग बहुत कम करवाते हैं। जो विजय के द्वार तक पहुंचना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, वह निश्चित ही महासंग्राम विजयनी साधना का सहारा लेते हैं और यह साधना आपको विजय दिलाती ही दिलाती है। रही बात आपके रणनीति में, आपको अपना अंदाजा खुद को लगाना पड़ेगा कि हमारे पास मानव बल, धन बल, दैवे बल है या नहीं। इसके साथ ही पार्टी का बल, उसका भी बल। जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस स्थान पर आपका बल, क्योंकि स्थान बली होता है। जैसे कुंडली में ग्रहों का स्थान बली होता है, वैसे जीवन में पुरुषों का स्थान बली होता है। आप जिस गांव के रहने वाले हैं, जहां जन्म हुआ है या जहां आप रह रहे हैं, वह दोनों स्थान में से कोई न कोई स्थान बली होता है। तो आप चुनाव कहां से लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? यदि आपको चुनाव के बारे में या अपने बारे में कोई जानकारी हासिल करनी हो, कोई मार्गदर्शन पाना चाहते हो आप, और चुनाव का ही नहीं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, राजनैतिक या पारिवारिक विषय पर किसी भी प्रकार के समाधान के लिए आप संपर्क जरूर कर सकते हैं और समाधान मैं दूंगा। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। यदि समस्या है तो उसका समाधान है, और वह समाधान मैं दूंगा आपको। धन्यवाद।